नए साल 2019 में कर्क राशि को मिलेगा बड़ा पद, होगी पदोन्नति। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। कर्क राशि का 2019 कैसा व्यतीत होगा, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। ग्रह गोचर के प्रभाव के कारण कर्क राशि वालों को बड़ा पद मिलने का योग बन रहा है। कोई भी उच्च पद इनको प्राप्त हो सकता है। यदि ये लोग बेरोजगार है तो इनको रोजगार प्राप्त हो सकता है या व्यापार के क्षेत्र में भी इनकी उन्नति होने वाली है। साथ ही यदि ये नौकरी में है तो वहां पर इनको पदोन्नति के उत्तम योग बन सकते हैं। इनके आय के स्रोत बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इस वर्ष कर्क राशि वालों को राहु का प्रभाव होने के कारण मानसिक परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है तथा धैर्य एवं दूरदर्शिता से ही कार्यों में सफलता मिलने तथा औद्योगिक क्षेत्र में बड़े स्तर का व्यापार प्रारंभ होने के संकेत है। पदोन्नति के साथ ट्रांसफर का भी योग है। कारोबार वृद्धि के साथ कर्जों से भी इनको छुटकारा मिल सकता है। शेयर बाजार एवं अन्य वित्तीय संसाधनों से आपको लाभ मिलेगा। प्रशासनिक कार्यों में चल रही परेशानियां दूर होगी। राजनीतिक क्षेत्रों में वर्षों से किए गए कार्यों का प्रतिफल इस साल आपको मिलने का योग है। नवीन उपक्रम में निवेश करेंगे। भूमि प्राप्ति, भवन प्राप्ति और आदि स्थायी संपत्ति प्राप्त होने का भी आपको योग बनेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। मांगलिक कार्यों में आपका खर्च बढ़ेगा। संतान के लिए अप्रैल से जून तक का समय अत्यंत सुखद रहेगा। इस दौरान संतान की उन्नति हो सकती है। संतान के कार्यक्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति का योग बन सकता है। संतान का विदेश जाने का योग भी बन सकता है। पारिवारिक मतभेदों से अपने आप को बचाएं। विलासिता सामग्री की खरीदी भी आप कर सकते हैं। आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। उधर विकार, एलर्जी और ब्लड प्रेशर आदि की समस्या हो सकती है। पदोन्नति के साथ दूर स्थान की यात्रा भी आप करेंगे। धार्मिक क्षेत्र की यात्रा भी आपके द्वारा होने वाली है। अधिकारी वर्ग से विवाद आपको नहीं करना है। कैरियर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है और कुछ अच्छे साधन भी आपको इस वर्ष प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष वैसे तो अच्छा साबित होगा, लेकिन कुछ परेशानियों के साथ इनको उन्नति और प्रगति के भी योग बनेंगे। उपाय के रूप में माता लक्ष्मी जी को यदि ये विशेष रूप से पीली मिठाई चढ़ा करके उनका पूजन अर्चन करेंगे तो विशेष इनको उत्तम फल की प्राप्ति हो सकेगी। तो मित्रों, हमने आपको कर्क राशि का वार्षिक राशिफल बताया है। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।